एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि पीएनबी एम पासबुक से पैसे ट्रांसफ़र कैसे करें। इसका हम पूरा मोबाइल स्क्रीन पर चल के इस प्रोसेस को पूरा लाइव देखेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक पर वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा गया है। इस टॉपिक को लेकर कई सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, तो आज सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और इसका एक डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने पीएनबी एम पासबुक ऐप को ओपन कर लिया है। अब इसमें एम पिन डालना है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। जल्दी से प्रोसीड कर देते हैं। तो ये हमारे सामने अकाउंट्स का पेज खुल चुका है। जितने भी मेरे अकाउंट हैं पंजाब नेशनल बैंक में, वो सब यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो अगर आपका सारे अकाउंट्स यहाँ पर अगर शो नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर रिफ्रेश अकाउंट लिस्ट का ऑप्शन है, इसको आप रिफ्रेश कर सकते हैं और आपके सारे अकाउंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन आप आज हम देखना चाहते हैं कि इसमें से हम पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं अपने सेविंग्स अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन है, डिटेल स्टेटमेंट का ऑप्शन है, यानी कि मैं अपना अकाउंट का स्टेटमेंट देख सकता हूँ, बैलेंस देख सकता हूँ। कहीं पर भी पैसा ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर थ्री लाइंस पर भी हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि पैसे इससे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो हमने इस टॉपिक पर वीडियो ही क्यों बनाया? क्या हम यहाँ पर आपका समय बर्बाद करना चाहते हैं? जी नहीं। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो एक बात आपको समझ लेना है कि पीएनबी एम पासबुक ऐप से आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये केवल एक पासबुक है, इसमें केवल आप अपना अकाउंट का बैलेंस देख सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी सारी सुविधाओं के बारे में हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। आप हमारा डिजिटल बैंकिंग प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट करें। तो अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं तो पैसे आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे? तो देखिए, एक ऑप्शन तो होता है कि आपके पास अगर एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम में जाएं और वहां से आप एटीएम से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। उस टॉपिक पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन मोबाइल से अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक का एक और ऐप है, ऐप का नाम है पीएनबी वन। चलिए उसका प्रीव्यू मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको बैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पीएनबी वन ऐप को ओपन कर लिया है। इसमें मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, इसलिए मुझे यहाँ पर एम पिन एंटर करना होगा। अगर आपने पीएनबी वन ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर भी हम आपके लिए जल्द ही डिटेल वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं होम स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। ट्रांसफ़र के ऑप्शन में आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पर रेगुलर ट्रांसफ़र, क्विक ट्रांसफ़र, कई सारे ऑप्शन है। रेगुलर ट्रांसफ़र में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन दिखा रहा है, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेल्फ, विद इन, अदर, ये सारे ऑप्शंस हैं। अदर यानी अदर बैंक, विद इन यानी पीएनबी के, पीएनबी टू पीएनबी, और सेल्फ यानी आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो पीएनबी वन ऐप की मदद से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसको आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको इससे कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो नीचे कॉमेंट्स में लिखें, हम बहुत ही जल्द पीएनबी वन के ऊपर पूरा एक कम्प्लीट सीरीज आपके लिए लेकर आ जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।